हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको EVS का लेसन 5 बी हेल्दी के बारे में बताऊंगी। और इस चैप्टर में बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और बच्चों को क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, ये सब आप इसमें डिस्कस करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेल्थ इज वेरी प्रेशियस थिंग, We should all take care of our health. और हमें अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। Good habit and manners are important for healthy and good living. अच्छी आदतें और अच्छे तरीके जो हैं बहुत ही ज़्यादा important होते हैं एक अच्छी सेहत बनाने के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए। All of us want to be healthy and strong. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें सभी को सेहतमंद होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें पसंद है। फॉर कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग थिंग्स। तो हमें सेहतमंद रहने के लिए कुछ रूल्स का फॉलो करना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। रिसाइट द पोएम अलाउड, और बच्चों को आप इस तरह से ये पोएम भी पढ़कर सुना सकते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रिमेम्बर दीज थिंग्स, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज। तो कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होता है, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, फ्लश करना ज़रूरी होता है। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट वॉश हैंड्स विद अ सोप, तो टॉयलेट जाने के बाद उसके बाद हमें हाथ साबुन से धोने चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें हमेशा अपने दांत ब्रश करने चाहिए सुबह में भी और रात को सोने से पहले। वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे टू कीप आवर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी। हमें सुबह डेली नहाना चाहिए और अपने आप को साफ स्वस्थ रखना चाहिए। आफ्टर टेकिंग बाथ वी शुड यूज अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल टू वाइप आवर बॉडी। और नहाने के बाद हमें एक सूखा टॉवल यूज करना चाहिए अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सुखाने के लिए। वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, और हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स नोज विद अ क्लीन क्लोथ, और हमें अपने नाक कान जो है साफ कपड़े से पोंछने चाहिए। जर्म्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ सो कीप योर हेयर क्लीन। जैसा कि सभी जानते हैं कि जर्म्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हमें अपने हेयर्स भी साफ रखने चाहिए। कॉम्बिंग एंड शैम्पूइंग हेल्प टू कीप योर हेयर हेल्दी, तो हमें अपने कंघे से बाल करने चाहिए डेली और शैम्पू भी करना चाहिए। वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमें हमेशा साफ भोजन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश योर आवर हैंड्स विद वाटर एंड सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। तो खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए और साबुन से भी धोने चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, और हमें खाना खाने के बाद मुंह में कुल्ला जरूर करना चाहिए। व्हाइल सिटिंग और स्टैंडिंग वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट फॉर गुड पोस्चर। जब भी हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमें अपनी बॉडी जो है एक स्ट्रेट बिल्कुल रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा गुड पोस्चर भी रहे और हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहे। वी शुड स्टडी इन अ प्रॉपर लाइट, और हमें हमेशा प्रॉपर मतलब सही लाइट उजाला आना चाहिए जब हम पढ़ाई करते हैं। वी शुड नॉट कीप आवर बुक टू क्लोज टू आवर आइज। हमें अपनी जो किताबें होती हैं पढ़ते वक्त आंखों के नज़दीक नहीं रखनी चाहिए। वी शुड डू सम एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर बॉडी फिट, और हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वी शुड टेक इनफ स्लीप एंड प्रॉपर रेस्ट, और हमें हमेशा पूरी नींद लेनी चाहिए और आराम भी करना चाहिए। We should not eat uncovered food or junk food as junk food is very bad for our health. Uncovered means बिना ढका हुआ जो खाना होता है उसे नहीं खाना चाहिए, और junk food नहीं खाने चाहिए जैसे चाउमीन, बर्गर, बाहर की चीज़ों को avoid करना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा health के लिए harmful होती है। We should throw our garbage in the
डस्टबिन, और हमें हमेशा डस्टबिन में कूड़ा फेंकना चाहिए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइलिंग, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और स्माइल करते रहना चाहिए। If you want to be fit and healthy, always follow all these healthy habits to stay healthy, fresh and fit. अगर हमें फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमेशा ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और इसी से हम हेल्दी भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, और इसी तरीके से आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद ये बुक वर्क कराइएगा। सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। गुड हेल्थ कीप्स ए पर्सन ब्यूटीफुल और एक्टिव। एक्टिव, वी मस्ट कीप आवर हेल्थ हेयर वेट और क्लीन। हमें अपने हेयर कैसे रखने चाहिए, गीले या क्लीन? क्लीन। डैश आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, जर्म्स और डैश फूड। फूड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ और जर्म्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, जर्म्स। वी शुड थ्रो आवर डैश इन डस्टबिन, गार्बेज और लंच। क्या फेंकना चाहिए डस्टबिन में? गार्बेज। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड डैश आवर टीथ डेली। क्या बताया था इसका? वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। वी शुड गेट अप डैश इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड डैश आवर हेयर नीटली, वी शुड क्लीन आवर हेयर नीटली। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर डैश फिट बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी फिट। उसके बाद आता है मैचिंग। सबसे पहले नेल्स। नेल्स को क्या कर सकते हैं? ब्रश, थ्रो, क्लीन, शॉर्ट एंड क्लीन, शॉर्ट एंड क्लीन। टीथ के लिए क्या आएगा? ब्रश, गार्बेज, थ्रो, हेयर, क्लीन। तो इस तरीके से आप बुक वर्क करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ वंस अ वीक, एक हफ्ते में ब्रश करना चाहिए। फॉल्स। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करने चाहिए। ट्रू। वी शुड हैव अ बाथ एवरी डे, ट्रू। वी शुड कीप आवर सेल्फ्स डर्टी, हमें अपने आप को गंदा रखना चाहिए। फॉल्स। वी शुड कीप बुक वेरी क्लोज टू आवर आईज वाइल रीडिंग, हमें पढ़ते वक्त अपनी किताबें अपनी आंखों के पास रखनी चाहिए। फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गए। उसके बाद इस चैप्टर में से मैंने इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो इनको लर्न भी कराइए और इनकी स्पेलिंग्स भी लिखवा कर देख सकते हैं। जैसे हेल्थ, गुड हैबिट, गुड मैनर्स, इम्पॉर्टेंट, ब्रश, हेल्दी, क्लीन, डर्टी, एक्सरसाइज, मील, माउथ, टाइडी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, बैक स्ट्रेट, गुड पोस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग, प्रॉपर, वेल्दी, सोप, शैम्पू एंड कॉम्बिंग। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ना भी आएगा, उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न होंगी और उनके आंसर्स भी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।